हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोनियो डॉट एच को। हमने देखा था कोनियो डॉट एच के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एसटीडीआर डॉट एच को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये सारे सिंबल देखे थे, हैश का मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हेडर फाइल होती है उसको हमेशा हम स्मॉलर देन ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मतलब इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये सारे फंक्शन है जहाँ पर भी आपकी स्मॉल ब्रैकेट देख रहे हो, इन सबको हम फंक्शन बोलते हैं। और आप देख रहे हो मेन फंक्शन के लिए मैंने ये कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो अलग अलग तरीके के सिंबल आप देख रहे हो, किसका क्या मीनिंग होता है वो हम समझते हैं। जैसे हेडर फाइल को आप हमेशा इसके अंदर लिखोगे, फंक्शन के लिए आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ करोगे। और इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, वो सारे सिंबल जो ओपन भी हो रहे हैं क्लोज भी हो रहे हैं, वो सारे सिंबल जो ओपन भी हो रहे हैं क्लोज भी हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएटर बोलते हैं, पंक्चुएटर या डीलिमिटर। ठीक है, डीलिमिटर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, वो सारे सिंबल्स जो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, मतलब ब्रैकेट्स के फॉर्म में वर्क करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पंक्चुएटर या डीलिमिटर। ठीक है, इसको आप यूज़ करते हो हेडर फाइल के लिए, इसको आप यूज़ करोगे फंक्शन के लिए। ठीक है, जहाँ पे भी आप ये ब्रैकेट्स देख रहे हो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। CLRSCR एक फंक्शन है, printf भी फंक्शन है, getch भी फंक्शन है, और मेन भी क्या है, फंक्शन है। फिर बात करें अगर इस वाले ब्रैकेट को हम फंक्शन के अलावा प्रेसिडेंस में भी यूज़ करते हैं और टाइप कास्टिंग में भी यूज़ करते हैं। अब ये प्रेसिडेंस और टाइप कास्टिंग क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊँगा। फिर इस वाले ब्रैकेट को हम यूज़ करते हैं किसी की बॉडी बनाने के लिए, कोई ब्लॉक जब हम बनाते हैं। जैसे ये मेन फंक्शन है, ये पहले से डिफाइन नहीं है, मतलब इसकी जो वर्किंग है वो पहले से किसी लाइब्रेरी फाइल के अंदर नहीं दी हुई है। CLRSCR, printf, getch, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब इनका जो वर्किंग है वो पहले से लिखा हुआ है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। बट मेन फंक्शन आप खुद बनाते हो, प्रोग्रामर खुद उसका वर्क बताता है, तो मेन फंक्शन का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब मेन फंक्शन की जो वर्किंग है वो मैंने इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस कर्ली ब्रैकेट तक बताई है। तो फ्रेंड्स, इसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक ओपनिंग एंड ब्लॉक क्लोजिंग। तो इसको आप यूज करते हो ब्लॉक ओपनिंग और ब्लॉक क्लोजिंग के लिए। ठीक है, किसी की भी जब हम किसी को भी जब डिफाइन करते हैं, मतलब किसी की जब वर्किंग बताते हैं, तो हम इस ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। और आगे जाके मैं इस वाले सिंबल को भी यूज़ करूँगा, इसको हम एरे के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर सभी सिंबल को अलग अलग नाम भी होता है सभी सिंबल का। जैसे ये हमने यूज़ किया है तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। इसको आप बोलते हो स्मॉल ब्रैकेट, या फिर प्रोग्रामिंग में इसको पैरेंथीसिस भी कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथीसिस। और ये होता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, या फिर हम इसको फ्लोवर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, या फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हो। तो फ्रेंड्स, अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं अलग अलग कंटेंट के साथ। जैसे हेडर फाइल को हमेशा आप लिखोगे स्मॉलर देन ग्रेटर देन के अंदर, मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। फंक्शन में हमेशा पैरेंथेसिस यूज़ होगा। किसी की हमें बॉडी बनानी है, वर्किंग बतानी है, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो अलग अलग सिंबल, जैसे कोई भी आप लैंग्वेज देखते हो, इंग्लिश आप देखते हो, तो वहाँ भी अलग अलग सिंबल होते हैं। कहीं क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं डॉट होता है, कहीं कॉमा होता है। तो कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसका अपना ग्रामर होता है, अपने उसके सिंबल्स होते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज के भी अपने सिंबल्स हैं। तो ये सिंबल देखे, हम सिंबल्स को देख के हमें भी हेल्प मिलती है, हमें भी समझ में आएगा कि ये फंक्शन है और ये हेडर फाइल है। और इससे हेल्प मिलेगी कंपाइलर को, जो हमारे प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर इसको देख के समझेगा कि अगर ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये क्या है, हेडर फाइल है। ठीक है, और हम डिस्कस करते हैं इस ब्रैकेट को हम फंक्शन के लिए तो यूज़ करते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंस और टाइप कास्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं कि प्रेसिडेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ और आपको बताता हूँ प्रेसिडेंस और टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं प्रेसिडेंस की।
फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा किसी कोई आप जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, आपने लिखा 4 + 5 × 6, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले 5 × 6 होगा या 4 + 5 होगा? पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने बोर्ड मास का रूल देखा होगा मैथमेटिक्स में, बट प्रोग्रामिंग में बोर्ड मास यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, किस तरीके का प्रेसिडेंस होता है, वो तो हम आगे समझेंगे, बट मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एडिशन से। तो पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ कर लूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 5 × 6, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट्स हैं तो पहले पहले एडिशन होगा, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद हमारा इसका जो रिजल्ट आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, ब्रैकेट को आप देखोगे किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या फिर फंक्शन के साथ या टाइप कास्टिंग के साथ। अब टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है? ठीक है, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है किसी वैल्यू का डेटा टाइप चेंज करना। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 4.5, अब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसको 4 में, तो वो कैसे हो पाएगा? आप इसके आगे ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे इंट, तो ये इंट लगाने से क्या होगा, ये 4.5 कन्वर्ट हो जाएगा 4 में। इसी तरह जैसे है 5, अब मैं चाहता हूँ कि ये 5 पॉइंट क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो इसके आगे मैंने लगा दिया फ्लोट, तो ये हो जाएगा 5.0। सो फ्रेंड्स, अगर वैल्यू का डेटा टाइप चेंज करना है, उसका टाइप चेंज करना है, तो हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। टाइप कास्टिंग को हम आगे और डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना सब आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।